अल्सर को कैसे ठीक किया जाए, बात समझने की कोशिश करते हैं। अंत तक देखिए, कुछ बातें आपको जरूर समझ में आने वाली हैं। अल्सर आज की डेट में कॉमन समस्या है, कई लोगों में देखी जाती है। उसका मेन रीजन क्या है कि इरेगुलर और इनएडिक्वेट डाइट, यानी असंतुलित भोजन और इरेगुलरिटी, ये सब जनरेट करती हैं अल्सर। तो देखिए, अल्सर होता क्या है कि कोई भी अंग है, कोई भी पार्ट है, उसके ऊपर वाला जो लेयर होता है ना, सबसे ऊपरी लेयर होता है, उसको इपिथिलियम बोलते हैं। तो इपिथिलियम एक लेयर है, इस तरह से मान लीजिए, ऐसे अगर ये कहीं पे टूट जाए, ब्रिज हो जाए, तो उसी पोर्शन पे क्या बन जाता है, अल्सर, यानी एक छोटा सा घाव बन जाता है। यानी इपिथिलियम के टूटने से एक छोटा सा जो घाव बनता है उसी क्या बोलते हैं, अल्सर। अगर ये पेट में बन जाए तब काफी दुखदाई होता है। और तो देखिए, जैसे स्टमक है यहां पे, ऐसे इसी टाइप का लगभग स्टमक होता है, और यहां पे भी इपिथिलियम है। तो यहां का इपिथिलियम अगर टूट जाता है तो इसी को बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। अब सबको पहले से पता है कि जो स्टमक है इसमें एसिड बनता है HCl, और HCl स्ट्रांग एसिड है, इस वजह से इसका जो pH है काफी कम होता है, 1.8 से 2 तक। तो यानी स्ट्रांग एसिड है, यानी आप कुछ भी खाएं पेट में आने के बाद उसको डाइजेस्ट होना ही होना है, डिजॉल्व होना ही होना है, यानी डिजॉल्व हो जाता है। तो देखिए, जो HCl है, एक तो यहां पे अल्सर बन गया ना, यानी यहां यहां छोटा सा घाव जैसा बन गया, और ऊपर से उसी में HCl एसिड बनेगा, HCl जैसा एसिड बनेगा, तो सोचिए इस पर क्या स्थिति गुजरती होगी। यानी एक तो कट लगा है कहीं पे और उसी पे आधा ड्रॉप एसिड डाल रहे हैं, सोचिए उस समय की जो स्थिति होती है, उतना ही दुखदाई होता है अल्सर। तो यहां पे जो अल्सर है उसमें अब गैस्ट्रिक अल्सर है, HCl बन रहा था, अब HCl कोई भी एसिड बर्निंग काज करता है, तो यहां पे तेज बर्निंग होगी, तेज जलन, और उसके साथ साथ तेज दर्द भी होगा। यानी बर्निंग होगी, जलन होगा, उसके साथ साथ दर्द भी होगा पेट में, और वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि कहीं हर्ट में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि जहां पे पेट है उसी के जस्ट पोर्शन में क्या है, बगल वाले पोर्शन में हार्ट है, तो ऐसा लगेगा कि हार्ट में पेन हो रहा है या हार्ट में दिक्कत हो रही है, तो एक कंफ्यूजन होता है। उसी कंफ्यूजन को समझ में और आइडेंटिफाई कैसे होगा उसी को समझते हैं। तो देखिए, लिखा है हाइपर क्लोरोहाइड्रिया, हाइपर मतलब अधिक मात्रा में, क्लोरोहाइड्रिया मीन्स HCl बन जाए, यानी एक तो पहले से अल्सर है और HCl बन जाए, और वो भी अधिक मात्रा में, हाइपर क्लोरोहाइड्रिया। और गैस्ट्रेलिया, यानी जो गैस्ट्रिक पेन है वहां पे दर्द होने लगे, दर्द होना, तो दो कारण हो सकते हैं, दो तरह की संभावनाएं हैं, एक तो अल्सर बन जाए और एसिड ज्यादा बने, और दूसरी संभावना हो सकती है कि यही एसिड ज्यादा बन रहा हो इस वजह से अल्सर बन जाए, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो हाइपर क्लोरोहाइड्रिया, जिनको एसिडिटी ज्यादा होती है, डकार भी आती है तो एसिड की आती है, तो हाइपर क्लोरोहाइड्रिया है, और उसके साथ साथ जो स्टमक है, जो पेट है, उसमें दर्द भी हो, गैस्ट्रेलिया भी हो। और बॉयलेंट बर्निंग पेन, तेज और जल, जैसे जल रहा है, बॉयलेंट बर्निंग पेन इन द स्टमक एंड चेस्ट, स्टमक में होगा ही होगा, और उसकी फीलिंग चेस्ट में भी आएगी, छाती में भी आएगी, चेस्ट फॉलोड बाय कोल्डनेस ऑफ स्किन एंड कोल्ड स्वेट ऑन द फोरहेड, पेट में, छाती में जलन जैसा तेज दर्द हो रहा है, लेकिन माथे पर ठंडा पसीना आ रहा है और स्किन भी ठंडी है, तो ये इंडिकेशन है गैस्ट्रिक अल्सर का। यानी छाती में जलन हो, पेट में जलन हो,
और माथे पर ठंडा पसीना आए, हाथ पैर ठंडे हो, तो ये हर्ट का पेन नहीं है, ये अल्सर का पेन है जो कि पेट में हो रहा है, यानी गैस्ट्रेल्जिया है। ठीक। और वोमिटिंग आफ्टर एवरी काइंड ऑफ फूड, जो कुछ भी आप खाते हैं, कुछ भी खाएंगे उसकी वोमिटिंग होना है, बाहर निकल जाएगा। वोमिटिंग आफ्टर एवरी काइंड ऑफ फूड, कुछ भी आप खाते पीते हैं उसकी वोमिटिंग हो जाएगी। और बर्निंग पेन एज ऑफ अल्सर, और किसी एक पोर्शन में इतना तेज जलन वाला दर्द होगा, बर्निंग पेन, जैसे अल्सर में होता है। और लास्ट स्टेज में अगर इस समस्या से आप समाधान नहीं पाएंगे, तब लास्ट स्टेज में क्या हो सकता है, कैंसर की संभावना बन सकती है, कैंसर हो सकता है। अगर कैंसर भी हो गया है, और सावर बेल्चिंग एंड वोमिटिंग, खट्टी डकार आना और खट्टा खट्टा उल्टी होना, अगर ये सब सिम्टम्स हैं आपके नियर बाय में किसी को भी, तो आप उनको बोलें यूज करें, एक होम्योपैथी की मेडिसिन है एस्टिक एसिड 30 पावर की, 4 बूंद सुबह और शाम को जीभ पर लें 1 महीने तक। जो अल्सर है उससे निजात मिल जाएगी। देखिए एसिटिक एसिड खुद एक एसिड है, जिसे बोलते हैं लोहा लोहे को काटता है, तो जो HCl का जो बैड इंपैक्ट है उसकी वजह से जो अल्सर बन रहा है उसको खत्म करने के लिए एक एसिटिक एसिड कंपोनेंट यूज करते हैं। अब एसिटिक एसिड जिसे जो विनेगर होता है ना, सिरका होता है, उसका इंटीग्रल कंपोनेंट होता है, यानी सिरके में 8-10% एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो आप डायरेक्ट वाला एसिटिक एसिड ना लें, यानी सिरका ना खाएं, पोटेंटाइज मेडिसिन लें एसिटिक एसिड, तो इसका स्फेयर ऑफ एक्शन बेहतर तरीके से काम करता है। तो इस एसिटिक एसिड के सिम्टम्स हैं ये सब, पेट में अल्सर होना, ढेर सारा एसिड बनना, हाइपरक्लोरोहाइड्रिया, कुछ भी खाते समय वोमिटिंग हो जाना, बहुत खराब स्थिति हो जाती है उस परिवार में जिसमें किसी एक सदस्य को कुछ खाते ही वोमिटिंग होने लगती है, तो इसको इमरजेंसी जैसी सिचुएशन लेना चाहिए। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप लकी हैं, एक जानकारी आपको समझ में आई, किसी को भी ऐसा होता है, यानी पेट में छाती में जलन हो और माथे पर और पैर में ठंडा पसीना हो, तब ये अल्सर का पेन है, और आप उसको एसिटिक एसिड 30 पावर की दें, किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से अवेलेबल होने वाली मेडिसिन है एसिटिक एसिड। तो काम की बात समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कंजूसी ना करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस तरह से हम लोग जानकारी बढ़ा के बीमार होने की संभावना को कम कर सकते हैं।